आपदा और मौसम की मार से राहत देने केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आई है, जिससे किसानों को काफी राहत मिल जाता है। लेकिन धमतरी जिले के सिस्टम की लापरवाही से जिले के 5 गांव ग्राम पंचायतों में 23 गांव के किसान इस योजना से छूट गए हैं। बता दें कि फसल बीमा योजना 2024 के अधिसूचना में इन गाँव के नाम ही नहीं है। ऐसे में अब किसान अपने गाँव को फसल बीमा योजना में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल मगर लोड ब्लॉक के सिंहपुर सोसाइटी के तहत आने वाले ग्राम पलवाड़ी, सिरकटा, कोकरा खोली, खडमा, बोईर गांव सहित 23 गांव का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 के पोर्टल में नहीं है। ऐसे में फसल नुकसान होने पर उनको फसल बीमा का लाभ नहीं मिलेगा, जिसको लेकर 23 गांव के किसानों ने प्रशासन से मांग किया है कि फसल बीमा के लिए किसानों का पंजीयन जल्द किया जाए। दूसरी ओर जिला प्रशासन की दलील है कि अभी फसल बीमा के लिए समय है। अब दिक्कत है, हम लोग तो ऋणी किसान हैं और ऋणी किसान सभी लोग कराए थे सोसाइटी के माध्यम से। बाद में पता चला हमको कि 4-5 गांव का बता नहीं रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और समय रहते हमारा फसल बीमा नहीं होगा तो हम लोगों को कर्जा लिए हैं तो भारी परेशानी हो सकता है। वैसे भी हमारे गाँव में ऊपर आश्रित रहते हैं भगवान भरोसा, इसलिए हमारा जो मांग है उसको समय रहते किया जाना चाहिए, किसानों का इसका फायदा मिल सके। फसल बीमा 2024 अधिसूचना में तहसील मगर लोड कोनांचल सिंहपुर क्षेत्र के 4 गांव को छूटे हैं, साथ में 13 गांव ऐसे हैं जो सिंची क्षेत्र में आते हैं, सिंचित गांव हैं, उनका फसल बीमा योजना में अधिसूचना में पंजीयन नहीं हो रहा है। इस शिकायत को लेकर के मांग लेकर के आए हैं और पोर्टल में नाम नहीं दिखा रहा है ऐसा बता रहे हैं। किसान हैं जिनका लगभग 200 किसान हैं, किसानों पर फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, उससे जो आर्थिक नुकसान होगा सब तो जानते ही हैं। किसानों की जो ऐसी परेशानी की स्थिति रहती है उन परेशानियों को सामना करना पड़ेगा, बीमा का लाभ मिलना चाहिए। देखिए किसान तो दो प्रकार के होते हैं, ऋणी अऋणी जो है, अगर उन्होंने बीमा कराया होगा तो अनाम आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो धान बुआई का काम चल रहा है और रोपा वगैरह काम चल रहा है,